हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे अरबी के पत्ते की पकौड़ी। तो देखिए, हमने अरबी के पत्ते को धो के कट कर लिया है, इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया है। उसमें डालेंगे बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा। बेसन को हम 4 चम्मच डालेंगे, पहले 2 डाले थे, अभी 2 डालेंगे। उसके बाद डालेंगे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। अब इसको अच्छे से बिना पानी डाले ही अच्छे से इसको मसल मसल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये धीरे धीरे ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। नमक पड़ा है इसी वजह से ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, अपने मसल मसल के इसको अच्छा सा सॉफ्ट 2 तरीके का बना लिया है। अभी इसका गोल गोल सा गोल शेप में देंगे पकौड़ी के हिसाब से। देखिए, इस तरीके से हम लोग बना लिए हैं। इसको फ्राई कर देंगे, हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें एक एक करके पकौड़ी सारे डाल देंगे। इस तरीके से बनाइए, एकदम आसान और इजी तरीके से, फटाफट गर्मा गर्म रेडी हो जाएगा। सुबह चाय के साथ खा सकते हैं या शाम को चाय के साथ आप झटपट बना के खा सकते हैं। ये देखिए, एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसी तरीके से पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से पका लेंगे। देखिए, हमारा पकौड़ी बनकर रेडी हो गया है, एकदम टेस्टी और क्रंची पकौड़ी बना है। एक बार आप भी बना के ट्राई करिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो इसे टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ